हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से शिक्षक भर्ती का नया एडवर्टीजमेंट अलीगढ़ से आया है। सैलरी आप सभी जानते हैं कि फुल टाइम टीचर्स की जो सैलरी है 24,200 पर मंथ रहती है। साथ में आप लोगों को यहाँ रेजिडेंस की सुविधा भी रहती है। कोई फीस नहीं देनी है, ना ही कोई परीक्षा है, ना ही कोई इंटरव्यू रहेगा। मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा। जैसे क्वालिफिकेशन में आपके जितने अधिक मार्क्स होंगे उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी और यहाँ पर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। सभी राज्यों के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कैंडिडेट यहाँ इंटरेस्टेड रहेंगे जिनका सब्जेक्ट रहेगा। चलिए देख लेते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन जो है 18 सितंबर 2024 का है, तो बिल्कुल नया विज्ञापन ही है। यहाँ पर गंगीरी, अतरौली, बिजोली, नगर क्षेत्र, अलीगढ़, अकराबाद, चंडोस, गोंडा, जवां, खैर, लोधा और टप्पल में वैकेंसी है। केवल महिला कैंडिडेट ही जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। सब्जेक्ट देख लें, फुल टाइम टीचर्स के लिए मैथ्स की वैकेंसी है, हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज की वैकेंसी है, कंप्यूटर टीचर की है, स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा, लेखाकार, इसके अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ में मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार, ये सभी जो है महिला कैंडिडेट ही रहेंगी। इसमें तो जो है केवल 8th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग सैलरी रहती है, 8,000 तक सैलरी इसमें रहती है। लेखाकार में जो है, जो कॉमर्स वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने केवल ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में, MS ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए। लेखाकार अंशकालिक रहेगा तो 13,673 इसमें सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा अंशकालिक शिक्षिका में कंप्यूटर और स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी है। कंप्यूटर के लिए ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा कंप्यूटर का होना चाहिए। BPED, CPED और DPED वाले स्काउट गाइड और शारीरिक शिक्षा के लिए अप्लाई करेंगे, 12,181 इसमें सैलरी रहेगी। जो अंशकालिक शिक्षिका हैं, तो जैसे स्कूल की जैसे ही छुट्टी होती है वैसे ही आप घर जा सकते हैं, लेकिन पूर्णकालिक शिक्षिका को वहीं पर रहना होता है। 12th तक जो है केवल गर्ल्स ही जो है इसमें पढ़ती हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है। गणित और लैंग्वेज टीचर के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुएशन आपकी गणित के लिए PCM में और BEd उच्च प्राथमिक स्तर का टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। आपके राज्य का टेट हो सकता है, CTET हो सकता है। हिंदी और संस्कृत टीचर के लिए आपकी स्नातक हिंदी या संस्कृत में और BEd और साथ में आपका टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें जो है 24,200 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। रेजिडेंस की सुविधा रहेगी। फूड अवेलेबल होगा या नहीं ये आपको आगे जाके ही जो है जब आपका अपॉइंटमेंट होता है तभी आपको पता लग सकता है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी की जो है सीटें हैं, गणित में, हिंदी, संस्कृत भाषा में, कंप्यूटर टीचर की, अंशकालिक शिक्षिका, स्काउट गाइड, शारीरिक शिक्षा की, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की सीटें हैं। कुल जो है 33 नंबर ऑफ वैकेंसी हाई है। आवेदन अगर आप करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसी PDF फाइल में सबसे नीचे मिलेगा, ये नीचे रहा यहाँ पर। इसे आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट निकालना है, फ़ोटो लगानी है, पूरा फिल करना है। अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनकी फ़ोटोकॉपी आपको इसमें अटैच्ड कर देनी है। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इसे ज़रूर पढ़ें। आवेदन पत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट ब्लॉक संसाधन केंद्र लोधा बीमा नगर TVS शोरूम के सामने वाली गली सूत मील सो चौराहा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश 202001। यहाँ से यहाँ तक जो है एड्रेस रहेगा। एनवलप के ऊपर जो है साफ अक्षरों में ये पूरा एड्रेस लिख देंगे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अपना सब्जेक्ट लिख लेंगे और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट आपको करना है, ठीक है। सामान्य पोस्ट नहीं करना है, वो नहीं पहुंचेगा। आप क्या क्या लगा लेंगे आवेदन पत्र के साथ में, तो यहाँ जो लिखा हुआ है इसे ध्यान से पढ़ना है। आवेदन पत्र के साथ में 2 स्वप्रमाणित फोटो, मतलब कि फोटो के नीचे आपके खुद के साइन, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और अन्य वांछित प्रमाण पत्र की सभी की फोटोकॉपी लगानी है। ओरिजिनल आपको कहीं पर भी नहीं भेजना है।
अपने पता लिखे हुए दो लिफाफे भी जो है आप लोगों को उस पर डाक टिकट लगी हो और आप लोगों को भेज देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करनी है। अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं और आरक्षित वर्ग में वैकेंसी है तो बिल्कुल आप जो है उसमें जाति प्रमाण पत्र ज़रूर लगाएं। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर है। चले मैं आप लोगों को बता देती हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन कहाँ से देखने को मिलेगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, गूगल पे सर्च कर लें या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, लिंक लिखा होगा वहाँ पर आप लोगों को aligarh.nic.in ये लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। ये पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर व्हाट्स न्यू में सेकंड नंबर पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। 19 सितंबर को ये आया है विज्ञापन और इसकी एंडिंग डेट 3 अक्टूबर है, ठीक है। केवल देखने के लिए व्यू 4 MB, इस पर क्लिक कर लेना है। और डाउनलोड अगर करेंगे तो आपको ये मार्क दिख रहा है डाउनलोड का, इस पर आप क्लिक कर लेंगे और आपके सामने जो है पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना है, लास्ट में पेज नंबर 6 को आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे, ठीक है। और भेजना है आपको सही एड्रेस लिख के अपने सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी के साथ में। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।